नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश में स्वच्छता अभियान पार्ट टू की शुरुआत की। स्वच्छता ही सेवा आंदोलन के शुभारंभ का जिक्र उन्होंने 12 सितंबर को अपने ट्वीट में किया। यह अभियान 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तक चलाया जा रहा है। उन्होंने इस आंदोलन को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस आंदोलन की शुरुआत करने के दौरान उन्होंने यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी, उद्योगपति रतन टाटा और महानायक अमिताभ बच्चन से बात की। बाद में पीएम मोदी दिल्ली के पहाड़गंज स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छता ही सेवा आंदोलन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कार्यक्रम की शुरुआत की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम महात्मा गांधी के सपने को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि स्वच्छता का लोगों के जीवन में सुधार लाने में बड़ा योगदान है। बात चाहे हेल्थ की हो या वेल्थ की हो, स्वच्छता लोगों के जीवन में सुधार लाने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता एक आदत है जिसको बाकी जरूरी चीजों की तरह रोजमर्रे के जीवन में शामिल करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ शौचालय बनाने भर से भारत स्वच्छ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टॉयलेट की सुविधा देना, कूड़ेदान की सुविधा देना, कूड़े के निस्तारण का प्रबंध करना, ये सारी व्यवस्थाएं एक माध्यम है। स्वच्छता एक आदत है जिसको नित्य के अनुभव में शामिल करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए। सीएम योगी ने फतेहपुर में दीप प्रज्वलित करके अभियान की शुरुआत की। योगी इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पीएम कार्यालय ने इस कार्यक्रम के लिए चुना है। इसी के लिए सीएम योगी फतेहपुर में है और फतेहपुर यूपी के 8 पिछड़े जिलों में से एक है, जिसे मोदी सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी से बात की और यूपी में स्वच्छता मिशन में अब तक हुए काम का ब्यौरा दिया। 2017 में जब प्रदेश के अंदर नई सरकार आई, आपके योग्य मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने इसे एक जन आंदोलन का रूप लिया। 56,000 से अधिक स्वेच्छाग्रही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात करने के अलावा प्रदेश के अंदर जो पहले से ही सफाई कर्मचारी थे, इन सबको भी इसके लिए तैयार किया। 2,20,000 से अधिक राज मिस्त्रियों का विशेष प्रशिक्षण इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर करवाया और विगत 17 माह के दौरान हम लोग प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 इज्जत घरों का निर्माण करने में सफल रहे हैं। इस अभियान का हिस्सा बनने और स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए पीएम मोदी करीब 2,000 नागरिकों को खुद पत्र लिख चुके हैं। मुहिम को सफल बनाने के लिए उन्होंने सभी राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। साथ ही समाज के दूसरे सम्मानित व्यक्तियों और जजों से भी पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए समर्थन मांगा है। इस पत्र में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की अब तक की सफलता के आंकड़े भी बताए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले 4 साल में 8.5 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिसके बाद मौजूदा वक्त में 90% से ज्यादा भारतीय शौचालय का इस्तेमाल कर पाते हैं, जबकि 2014 में 40% से भी कम लोग शौचालय का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया है कि 4,25,000 गांव, 430 जिले, 2,800 शहर और 19 राज्य और संघ शासित राज्य खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शौचालय के उपयोग से 3,00,000 मासूमों का जीवन बचने की संभावना जताई है। मोदी ने कहा है कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बहुत ही विशाल स्तर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को अपना सपना बनाकर पीएम मोदी देश भर में स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गांव जयपुर को गोद लेकर उसे आदर्श गांव बनाने का जिम्मा लिया था। यहां स्वच्छता पर पीएम ने खासा ध्यान दिया। अधिकारी भी पीएम के आदेश पर जयपुर को स्वच्छ गांव बनाने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन जब APN की टीम वहां पहुंची तो अधिकारियों के दावों की पोल खुलती नजर आई।
आज भी जयपुर के ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीएम का ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री मिशन महज कागजों में सिमट कर तो नहीं रह गया। साथ ही देखिए स्वच्छता के पैमाने पर यूपी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गोदिये गांव का हाल। स्वच्छता के लिए पीएम मोदी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खासकर खुले में शौच के खिलाफ देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। जाहिर है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस अभियान का सबसे ज्यादा असर होना चाहिए। वाराणसी जिले में कुल 1332 गांव हैं, जिनमें 309 गांव को पहले ही खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित किया जा चुका है और बाकी को जल्द घोषित किया जाना है। लेकिन क्या सचमुच पीएम का संसदीय क्षेत्र वाराणसी खुले में शौच मुक्त हो चुका है? इसका जायजा लेने के लिए APN की टीम पीएम मोदी के गोदिये गांव जयापुर पहुंच गई। जयापुर गांव पहुंचते ही हमारा स्वागत मुख्य सड़क पर बने सिंह द्वार ने किया। साफ सुथरी और बिना गड्ढों वाली सड़क से होकर हम जयापुर गांव में अंदर हुए। रास्ते में हमें यात्री शेड दिखा जो बेहद अच्छी स्थिति में था। किसी गांव में इतना अच्छा यात्री शेड होना बेहद सुकून की बात है। आगे बढ़ने पर हमें जयापुर का पंचायत भवन दिखा। ग्राम पंचायत भवन भी बेहद दुरुस्त था, दीवारों पर रंगरोगन और स्वच्छता का संदेश लिखा था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही हम पंचायत भवन से आगे बढ़े तस्वीरें बदरंग होने लगी। हमारा सामना आधे अधूरे खस्ताहाल शौचालयों से हुआ। शौचालयों के चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई पुराना खंडहर है जहां सालों से कोई गया नहीं। जिस तरह से इन शौचालयों के पास झाड़ियां उगी हुई हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। जब ये शौचालय इस्तेमाल में ही नहीं है तो फिर जयपुर को खुले में शौच मुक्त कैसे घोषित कर दिया गया? ये सवाल हमारे दिमाग में कौन ने लगा? जयपुर में खुले में शौच मुक्त का जायजा लेने के लिए हम गांव के कई घरों में गए, लेकिन घरों में बने ज्यादातर शौचालय हमें जर्जर हाल में दिखे। गांव वालों के मुताबिक इन शौचालयों को बनाने में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। वहीं कई लोगों को शौचालय के आकार से दिक्कत थी। कुछ शौचालयों को तो आनंद फानंद में अधिकारियों को दिखाने के लिए बना दिया गया, लेकिन इसमें पानी की टंकी नहीं लगाई गई। ऐसे में कबाड़ घर बन गए। लोग अपने घर का कबाड़ यहाँ रखने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अधिकारी भले ही जयपुर को खुले में शौच मुक्त करने का दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी कई लोग शौचालय होने के बावजूद खुले में ही शौच करने को मजबूर हैं। तो अपने घर में हो तो बाहर किस लिए जाए, अपने घर में नहीं तो बाहर मजबूरी जाना पड़ी, जब पैसे नहीं तो कहां से क्या करे। आप देख सकते हैं किस तरह से इस नए बने शौचालय का दरवाजा टूट गया है। इस दूसरे शौचालय में दरवाजा ठीक है तो टाइल्स टूटी है, जबकि इस शौचालय की कुंडी टूटी हुई है। कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है सर, रिपेयर तो यानी कि शौच नहीं कर रहे हैं, आधे कोई बाहर ही जाना चालू है अभी तक। तो सब बन रहा है, अभी सब बाहर जा रहे हैं, अभी सब लोग गांव के सब लोग बाहर जाते हैं, अभी तैयार नहीं हुआ है। अधिकारियों की माने तो वाराणसी के 610 गांव पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जयपुर की हकीकत हमारे कैमरे के सामने है, जिससे साफ जाहिर है कि पीएम का स्वच्छता अभियान खुद उनके गोद लिए गांव जयपुर में दम तोड़ रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव सिंह की जन्मस्थली उड़वा गाँव को सोनिया गांधी ने नवम्बर 2014 में गोद लिया था। रायबरेली मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी और इलाहाबाद लखनऊ हाईवे पर जगतपुर ब्लॉक से 10 किलोमीटर दूरी स्थित उड़वा गांव की कुल आबादी 5000 है। सोनिया गांधी के गोद लिए गांव उड़वा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत अभियान दूर दूर तक नजर नहीं आता। गांव में शौचालय नहीं के बराबर है। ऐसे में गाँव के 90% लोग अभी भी खुले में शौच जाने को मजबूर है। और अब एक झलक अमेठी संसदीय क्षेत्र के जगदीशपुर गाँव की। वैसे तो ये गाँव आम गाँव की तरह ही है, लेकिन साल 2014 में जब इस गांव को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गोद लिया तो जगदीशपुर गांव आम से खास हो गया। लेकिन 4 साल बाद भी गांव में स्वच्छता अभियान सवालों के घेरे में है। यहां कुछ ही घरों में हमें शौचालय नजर आए। आज भी गांव के अधिकतर लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। जब प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेताओं की गोद लिए गाँव का ये हाल है तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पीएम का ODF मिशन महज कागजों में सिमट कर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। स्वच्छ भारत मिशन एक बेहद नोबल मिशन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। समग्र रूप से समाज को आगे बढ़ाने की बेहतर मुहिम के तौर पर इसको देखा गया था, लेकिन 4 साल तकरीबन पूरे होने के बाद क्या इस स्थिति में हम लोग हैं कि आज ये कह सकें स्वच्छ भारत मिशन जिस मंशा के साथ लागू किया गया था या जितने दावे जितने वादे सरकार कर रही है वो जमीन पर सभी सच हैं? इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा हैं, आप नेता हैं बीजेपी से। अजय वर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। विक्रांत तोंगड़ हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं आप। डॉक्टर सपना बंसल हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता।
सदगुरु श्री हमारे साथ हैं, संस्थापक हैं सदगुरु फाउंडेशन के। राजपाल कश्यप हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। और गोविंदपंत राजू हमारे साथ हैं, सलाहकार संपादक हैं APN से। शुरुआत खेमचंद जी आपसे करूंगा सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत तमाम चीज़ें की गई। सिर्फ जयपुर का आप उदाहरण ले लीजिए, वहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाई, PM का संसदीय क्षेत्र है और जयपुर को PM ने ही गोद लिया था। अगर हालात वहाँ पर बदतर नजर आते हैं तो बाकी देश में हम कैसे उम्मीद कर लें कि जो वादा किया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, वो अक्षरशः सही साबित होगा? सर हालात बहुत अच्छे हैं, आप देखेंगे, आपने भी अभी जो रिपोर्ट दिखाई उसमें टॉयलेट बने हुए हैं, लोग उनका उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे अब देखोगे गाँव देहात में लोगों को जो बरसों से आदत है वो धीरे धीरे जाएगी। लेकिन वहाँ टॉयलेट है, वहाँ व्यवस्था बनाई गई है, वहाँ पे आपने देखा किस तरीके से रोड है, किस तरीके से वहाँ पे जो हमारा समुदाय भवन होता है वो नीट एंड क्लीन और एक अच्छी बिल्डिंग है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 4 साल में मोदी जी ने मिशन मोड में काम शुरू किया और अभी तक लगभग 8.5 करोड़ टॉयलेट पूरे देश में बने हैं। और यूनेस्को ने भी बोला है कि ये जो टॉयलेट जिस तरीके से बन रहे हैं उससे लगभग 3 लाख लोगों की जो जान बची है। और हर परिवार में गाँव में जहाँ पे टॉयलेट बनता है वहाँ पे लगभग 50,000 रुपए की सेविंग होती है, क्योंकि वो पैसा उनको हेल्थ इश्यूज पे खर्च करना पड़ सकता था, वो अभी नहीं करना पड़ रहा है। पहले लगभग 40% लोगों के पास टॉयलेट की सुविधा होती थी, आज लगभग 90% के आसपास है। इज्जत घर जिसको बताया गया वो कबाड़ घर बनकर रह गया। नहीं ऐसा नहीं की जबानी आपने सुना कि चूंकि बने नहीं थे सही तरीके से इसलिए इस्तेमाल के लायक नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ आपने देखा होगा कि कुछ टॉयलेट में आपने 2-3 टॉयलेट जो पब्लिक टॉयलेट है उसके साथ साथ घरों में भी टॉयलेट बने हैं, जो घरों में टॉयलेट हैं लोग उनका उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो पब्लिक टॉयलेट का यूज कम हो रहा हो, कम होने की वजह से उसकी मेंटेनेंस पे आपका भी धन्यवाद कर देना चाहता हूँ, पहले टॉयलेट नहीं थे, पहले इस पे चर्चा थी कि टॉयलेट होने चाहिए, अब टॉयलेट है, अब लोग कम यूज कर रहे हैं तो उसको बेटर यूज करेंगे, धीरे धीरे वो भी करेंगे। लेकिन मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया और उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया, वो जनता के बीच में दिख रहा है। आज लोग टॉयलेट की चर्चा कर रहे हैं कि टॉयलेट में पानी नहीं है, आज लोग ये चर्चा नहीं करेंगे टॉयलेट नहीं है। हमारी जो माता बहने हैं उनको एम्पावर किया गया है, उनको कोई भी योजना शुरू की जाती है तो जिस मंशा के साथ शुरू की जाती है वो मंशा अगर पूरी नहीं होती तो सवाल पूछे जाते हैं। अब वो आधी इम्प्रूवमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो होता रहेगा, हम करते रहेंगे, लेकिन काम होना चाहिए, हमने काम किया है, काम होने के बाद लोग उसका उपयोग वहाँ जाते नहीं है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की संभावना है। दो चीजें, टॉयलेट अगर बने ही सही नहीं है तो परिवारों के पास इतनी जमीन नहीं होती इसलिए के लिए पब्लिक टॉयलेट बनाए जाते हैं, लेकिन कई परिवारों के पास जमीन होती है तो उनके पर्सनल टॉयलेट भी बनाए जा रहे हैं। और जब लोग अपने घरों के टॉयलेट का उपयोग कर रहे हैं तो एक बार नजरिया हम लोग जान लेते हैं, अजय वर्मा कैसे देख रहे हैं कि मिशन बहुत नोबल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, स्वच्छता जरूरत है हमारे समाज की, स्वच्छता जरूरत है कि बीमारी को आप दूर रखें और काफी सकारात्मक ऊर्जा भी स्वच्छता लेकर आती है। लेकिन जिस मंशा के साथ ये लॉन्च किया गया था 4 साल पहले और आज फेज 2 कहा जा रहा है कि फेज 2 इसका लॉन्च किया गया, क्या फेज 1 पूरी तरीके से हम लोग अचीव कर पाए? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, स्वच्छता आदमी भगवान श्री राम जब श्रीलंका को फतेह करके लौटे थे अयोध्या, तो पूरी अयोध्या को साफ सुथरा करके दीपों से जला के स्वच्छ किया गया था। तो ये सदियों पुराना, हजारों साल पुराना आइटम है जो चला आ रहा है और हर घर में, आपके घर में, हमारे घर में झाड़ू लगेगी, सफाई होगी दिवाली पर, होली पर, या रोज लगती है। सामाजिक जागरूकता की अब आप आगे आइए, 2014 में देश में एक प्रगति के सूचक इतिहासकार, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता, देश के प्रधानमंत्री बन गए, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी हर चीज में, उन्होंने बड़ा अच्छा ये स्वच्छता अभियान लाए बधाई के लिए। लेकिन कल इनके एक विधायक को मैं लखनऊ में टीवी पर सुन रहा था, उत्तर प्रदेश के एक संसद BJP के विधायक हैं वर्तमान में, शौचालय में जो घोटाला जो हंगामा था वो पूरे देश के चैनलों में देखा जा रहा था। चलो कोई बुराई नहीं है, ये तो काम है, चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं वर्तमान में और इसमें 826 पंचायतों के नाम अगर मैं आपको लिस्ट दूं जी कि वहाँ किस तरह से घोटाले, गड़बड़ी, सफाई के नाम पर कोई वहाँ गंदगी, पानी नहीं, कहीं टंकी नहीं, कहीं नल नहीं, शौचालय बन गया तो सफाई की व्यवस्था नहीं। अच्छा मिशन, अच्छा विजन, अच्छे लोग सब जगह होते हैं, करना चाहिए, लेकिन आप उसके रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें कितने परसेंट कर रहे हैं? आपको याद 2014 में आई थी चुनाव के समय, अब याद आ रही है 2018 में जब लोकसभा पुनः रिपीट हो रहा है। मैं गाजियाबाद, नोएडा कि वो क्षेत्र आपको गिना सकता हूं, अभी आपको वार्ड सहित 100 वार्ड तो गाजियाबाद में, कि जो दिल्ली
की तरह, हिंदुस्तान की तरह, उत्तर प्रदेश का दिल माने जाते हैं कनॉट प्लेस की तरह, लेकिन यहाँ गंदगी, नाला, सफाई, बुराई, इतने बुरे हाल है हम लोग आपसे करेंगे कि अगर आप शहीद सुन लीजिए, शहीद नगर, मिर्जापुर, विजयनगर, प्रताप बिहार, हाँ, अगर चले जाएं तो आप यहाँ की नाली, गंदगी, कारें डूब गई बरसात जरा से, पूरी तो कर दूं मैं, लौटूंगा सर आपके, लेकिन हाँ, मैंने आपसे ये कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को फीडबैक नीचे से, जितने भी आदर्श ग्राम है, आदर्श गांवों की ढोल आपने पहले खोली हुई थी, सफाई गांव में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जो संसार के नवीनतम महानतम प्रधानमंत्री हैं, उनके यहाँ ये हाल है तो औरों का तो छोड़ ही दीजिए। सरकास्टिक भाषा का उपयोग सर मुझे नहीं लगता कि अभी जरूरत यहाँ पर है। सीधा राजनीतिक आक्षेप पर आपको नहीं उतरना चाहिए, कुछ तथ्यों के साथ भी यहाँ पर रहना चाहिए। नहीं, तथ्य मैं आपको बताने शुरू करूंगा, आप कहेंगे आप पे टाइम नहीं है, जानने के लिए मैं आपको भी गांवों के जानने के लिए आपके पास मैं जरूर आऊंगा सर। अनंत जी, आंकड़े और कागज तो खेमचंद जी की तरह वो लोग लगे बैठते हैं जिन्हें सफाई देनी हो, यहाँ तो दिल में है अच्छाई, सफाई देने की जरूरत नहीं, हमारा काम दिखा है, यहाँ तो अच्छाई दिल में है, मैं आपको बताना चाहूंगा। खेमचंद आपको प्राइम मिनिस्टर जी का आदर्श धन्यवाद सर। बाकी मेहमान हमारे साथ हैं, महत्वपूर्ण है, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो चुकी है सर, मैं जब आपके पास लौटूंगा अपना जवाब दीजिएगा। मैं लौटूंगा राजभर कश्यप आपके पास, उत्तर प्रदेश का क्या की हालात आप क्या देखते हैं? आदित्यनाथ योगी इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से चुना गया था इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए, आज जो प्रोग्राम रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हालात बदले हैं स्वच्छता की दृष्टि से? देखिए आनंद जी, ये स्वच्छता अभियान केवल होर्डिंगों में है, टीवी पे है, चैनलों पे है, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, धरातल पे कहीं स्वच्छता अभियान नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 14 नगर निगम है, 12 नगर निगमों में इनकी सरकार है, और वो आज से नहीं है, कई वर्षों से इनकी सरकार है नगर निगमों में, बीजेपी ही है। और जिस तरीके से ये स्वच्छता अभियान का नारा दिए, जितना पैसा होर्डिंग, बैनर और पोस्टर और टीवी और फेसबुक और फोटो खिंचा लेने से स्वच्छता नहीं होगी। स्वच्छता जब तक आप उसके जिम्मेदारी नहीं लगाओगे, अब वो लोग जो अपना बेडरूम नहीं साफ करते हैं बीजेपी के नेता, वो फोटो खिंचा के करें, वो नाली साफ करें। अब आप कहां सर बेडरूम में पहुंच गए देखने के लिए कि बेडरूम साफ है कि नहीं है? कम से कम ऐसी बात तो कहिए सर कि आपको वापस शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, आपके पास वापस आपके सर। यानी सपा की जो राय है वो कांग्रेस से बहुत उतर रही है, कांग्रेस भी यही मान रही है कि स्वच्छ भारत मिशन कामयाब नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी भी उससे इत्तेफाक रख रही है, वो भी ये कह रही है कि स्वच्छ भारत मिशन कामयाब नहीं हुआ। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी डॉक्टर सपना बंसल है। डॉक्टर सपना बंसल, समाज के बीच में, समाज के लोगों से सीधा आपका इंटरेक्शन रहता है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, क्या लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ी है 2014 के बाद सफाई को लेकर, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने को लेकर, मिशन की मंशा क्या कुछ हद तक सफल देखती हैं आप? देखिए, मैं एक जागरूक नागरिक के रूप में जिस तरीके से सामाजिक स्थितियों को देखती हूँ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा समाज परिवर्तित हुआ है, सोच में बहुत ही परिवर्तन आया है। जहाँ एक स्थिति थी कि हमारे देश को एक कूड़े के रूप में, कचरे के रूप में जाना जाता था, वहाँ आज कहीं ना कहीं हमारे सभी लोग जागरूक हैं और बहुत अच्छे तरीके से, खासकर हमारी युवा वर्ग, वो लोग बहुत ही ज्यादा इस अभियान में जुड़े हुए हैं। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान एक अंधकार में बैठा हुआ था। यदि एक मोदी सरकार ने एक दीपक जलाने का कार्य किया है, देखिए ज्योति जलते जलते धीरे वो प्रकाश लेगी, तभी उसका प्रकाश सबके साथ में आएगा। निश्चित रूप से हमारी आदतें बहुत खराब रही हैं और इन आदतों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इसके लिए हम किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। यदि खुद हम आगे बढ़कर, आगे जाकर हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने अंदर की जिम्मेदारी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कभी भी ये हिंदुस्तान स्वच्छ भारत के रूप में नहीं मान रहे हैं कि 2014 के बाद कम से कम मानसिकता में बदलाव आया है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से बहुत बहुत परिवर्तन। मैं लौटूंगा आपके पास, सदगुरु श्री हमारे साथ है, संस्थापक है सदगुरु फाउंडेशन के, जो की लोगों के बीच में जाकर काम करते हैं। सदगुरु श्री, कैसे देखते हैं जब लोगों के बीच में आप लोग जाते हैं अपने अलग अलग प्रोग्राम्स लेके, तो 2014 से पहले की हालात और 2014 के बाद लगातार साल दर साल चीजें बेहतर हुई है स्वच्छता के परिदृश्य में? सोच में फर्क तो आया है जी,
सोच में बिल्कुल समाज में फर्क तो आया है। मैंने कई लोगों को देखा जिन्हें पान खाने की आदत है और वो जेब में पॉलिथिन लेकर के घूमने लगे। देखिए, आपके कार्यक्रम में शुरू में मैंने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना जी, कि स्वच्छता तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वो आदत में ना आए। इसके सूत्र हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। क्या कारण था कि सोने की चिड़िया वाला देश आज तंगहारी पे बदहारी पे आ गया? इसके सूत्र ऋग्वेद की ऋचाओं में है कि आदित्य वर्णे तब शोधि जातो बृहस्पतिस्तु अभिशोद विल्व तस्य फलानी तपसा दंतु माया तरायाश्च भाग्य अलक्ष्मी ही। जब तक हम अलक्ष्मी यानी गंदगी यानी कि अपनी गंदगी अपने द्वारा प्रदत्त कचरे को हम मैनेज करना नहीं सीखेंगे, हमारे जीवन में उत्कर्ष नहीं आ सकता, हम आसमान पर नहीं पहुंच सकते, हम ऊंचाई पर नहीं जा सकते। ये हमारे कर्म है। आज भी हम क्या बुलाते हैं, जो बाहर हमारा कचरा लेने आता है हम कहते हैं कचरा वाला आया जी। अरे कचरे वाले तो हम है, वो तो सफाई वाला है, वो तो सफाई वाला है। हम जब तक कचरे वाले बने रहेंगे जी, हमारी सोच में हम कचरा भरे रहेंगे, तब तक हमारा उत्थान नहीं हो सकता। हाँ। बिल्कुल ठीक है कि जब तक हम स्वच्छ नहीं होंगे ये जागृति नहीं आएगी, और ये 4 साल में संभव नहीं है। हाँ। हम इतनी पुरानी आदत पड़ी है, जहां हम बैठते हैं वहीं पे हाथ धुल लेते हैं। आज भी मैं गांव में देखता हूं, मैं हाँ। समझाता हूं, वहीं पर लोग कुल्ला कर लेते हैं जहां बैठे हुए। हाँ। तो ये हमारी सोच रही है जी, तो बदलने के लिए सिर्फ 4 साल हम लोग बढ़ रहे हैं। स्वच्छता की जरूरत को हम लोग समग्र रूप से समझ रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास विक्रांत तोमर, सफाई के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, कचरा भी इकट्ठा करके एक नियत जगह पर डाला जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो होता है उसके रिसाइकलिंग का, डिकम्पोजिशन का। तो क्या उस मसले पर हमारे पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं? एक पर्यावरण की दृष्टि से कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि कूड़े के निस्तारण के लिए क्या किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात उठाई अपने उद्बोधन में, और यहाँ मैं बतौर पर्यावरणविद अपनी बात रखना चाहूँगा कि इसमें कितना लाभ हुआ। देखिए, नो डाउट एक अच्छा प्रयास है जी। और देश के इतिहास में महात्मा गांधी जी के अलावा किसी बड़े नेता ने इस बात पर जोर दिया है तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। तो लेकिन ये कदम अच्छा था, लेकिन 4-5 साल में इस पर कुछ खास काम नहीं हो पाया, केवल पोस्टरबाजी तक ये सीमित रह गया। अब बात आती है कूड़े के निस्तारण की। आप दूर मत जाइए, दिल्ली में गाजीपुर में पहाड़ देख लीजिए कूड़े का। तो वो जो कूड़े का पहाड़ है, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से चंद किलोमीटर दूर या चंद मिनट की दूरी पर, हम उसे ही नहीं हटा पाए तो हम भारत को स्वच्छ करने का सपना अगले कुछ सालों के लिए भूल सकते हैं। लेकिन इस बात पर भी जोर देना होगा कि यह आमजन से जुड़ा मुद्दा है। जब तक आमजन इसमें सहभागिता नहीं निभाएंगे, जब तक हम अपने दिनचर्या में इस चीज को नहीं अपनाएंगे कि हमें अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना है, तब तक ये प्रयास सफल नहीं हो सकता। लेकिन भारत सरकार का मानना है कि आंकड़ों में शौचालय बना देना भारत को स्वच्छ करने के बराबर है, जबकि यह उनका गलत सपना है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान को अगर आपको करना है चाहूंगा तो पूरे देश के लिए नीति बनाई जाए, नीति का प्रभावी पालन हो पाएंगे इस मामले में। ये दो चीजें में हमें देखना होगा, एक सफल चीजों का सफल हो जाना, दूसरा सफलता की तरफ अग्रसर होना। तो क्या नजदीकी वक्त में या नजदीकी सालों में लोगों के भीतर जागरूकता देखी है आपने पर्यावरण को लेकर, स्वच्छता को लेकर? क्या वो जागरूकता इस स्वच्छ भारत मिशन से जोड़कर देखी जा सकती है? नहीं, देखिए, लोगों में जागरूकता आई है इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन लोग क्या करें, हमारे घर से कूड़ा निकला, हमने कूड़े उठाने वाले को दे दिया, बाद में वो कहां जाता है? बाद में लैंडफिल साइट पर जाता है और कुतुब मीनार की जितनी ऊंचाई की लैंडफिल साइट बन जाती है। क्या आमजन उस कूड़े का निस्तारण करेगा लास्ट में जाके? तो सरकार ने नीति तो बना दी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसके प्रभावी पालन के लिए कोई ठोस नीति या सुदृढ़ प्लान नहीं बनाया है। उससे पहले मैं जाना चाहूंगा गोविंद जी आपके पास, कि हम लोगों ने पर्यावरण से बात, पर्यावरणविद से बात की, सामाजिक कार्यकर्ता से बात की, सदगुरु फाउंडेशन से बात की। इन लोगों का मानना यह है कि लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन विपक्ष को जागरूकता नहीं दिखती है। तो इसके जो कारण है, क्या वो सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य समझे जा सकते हैं, या वाकई में विपक्ष की जो नजर है वो सही मानी जाए? नहीं, देखिए, जागरूकता की अगर बात करें तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस सफाई अभियान की प्रधानमंत्री ने जब शुरुआत की थी, और उन्होंने एक इसके साथ एक बहुत बड़ा एक उनका लक्ष्य था कि वो ब्रांड एम्बेसडर्स उन्होंने बनाए थे, और हर ब्रांड एम्बेसडर से ये उम्मीद की थी कि वो अपने साथ कुछ लोगों को तैनात करेगा, इस तरह से वो चेन बनती जाएगी और शायद भारत के आम आदमी तक वो पहुंचेगी। लेकिन वो सिर्फ भावना तक ही सीमित रही वो चेन।
ज्यादातर राजनीतिक लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने भी उसका अनुपालन नहीं किया। समाज के जो बाकी के प्रमुख लोग थे वो भी उसको अपने तक सीमित रखने के बाद आगे उसको नहीं बढ़ा पाए, और जो खुद बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो भी वहीं तक सीमित रहे। ईमानदारी की बात तो यह है कि आज प्रधानमंत्री ने जब झाड़ू पकड़ा है तो कम से कम ये तो दिखता है कि उनको झाड़ू पकड़ना आता है, लेकिन बीजेपी के जितने नेता, कई मुख्यमंत्री जब इस तरह के अभियानों के लिए झाड़ू पकड़ते हुए तस्वीर खिंचवाते हुए दिखाई देते हैं तो उस वक्त लगता है कि उनको झाड़ू पकड़ना तक नहीं आता। एक झाड़ू पकड़ने का भी एक विज्ञान है, वो सामान्य तौर पर हाथ में झाड़ू पकड़ लिया तो काम हो गया की बात नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पूरे मामले को राजनीति से भी लपेटा गया। उत्तर प्रदेश में उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उनकी तरफ से भी उन्होंने कहा कि हम खुद अभियान चलाएंगे और हम उनके अभियान से ज्यादा बेहतर तरीके से साफ करेंगे। काशी को साफ करने की उन्होंने बात कही भी, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। और राजनीतिक दलों ने इसमें किस तरह से अपनी सीमा रेखाएं तय कर ली, अभी आपने हमने जो शुरू में रिपोर्ट दिखाई थी उसमें तीन संसदीय क्षेत्रों की बात थी, उसमें अमेठी और रायबरेली के सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के संसदीय क्षेत्रों की भी स्थिति दिखाई गई थी और बताया गया था कि कितनी बदहाली है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की बात उठाई हमारी इसी बहस में कि इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन क्या कांग्रेस के दोनों सबसे बड़े नेता जो हैं जिनके संसदीय क्षेत्र में इस योजना में भ्रष्टाचार दिख रहा है और योजना ढंग से शुरू नहीं हो सकी, क्या उन्होंने कोई पत्र लिखकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाई? तो इससे दिखता है कि आवाज उठाई नहीं, मतलब जो हो रहा है होने दो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रधानमंत्री का अभियान है, ये बीजेपी का अभियान है, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों ने इसमें भी राजनीतिक सीमा रेखा खींचकर इस अभियान को राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश की, इसको जनता से जोड़कर और इस देश की बदहाली को सुधारने का एक अभियान है इस नाते इसको देखने की कोशिश नहीं। जी बिल्कुल वाजिब बात है, मैं अजय जी आपसे जाना चाहूंगा इस मसले को लेकर कि लूपहोल्स क्या है, बहुत संक्षेप में कटवट बताएगा और ये भी बताएगा कि अगर अभियान में कुछ कमियां दिखती हैं, आप मानते हैं कि अभियान उतना सफल नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होना भी एक बड़ा कारण है। देखिए राजनीति का कोई शिकार नहीं है, सरकार में जो निर्णय लिया जाता है वो एक तरफा लिया जाता है, ना किसी को विश्वास में लिया जाता है, ना किसी से पूछा जाता है, ना चर्चा होती ना परिचर्चा होती फॉर्मेलिटी के लिए संसद में भी विधानसभा में नहीं है ना सर, ये तो जन जागरूकता अभियान, मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये जन जागरूकता अभियान, ये महात्मा गांधी जी की प्राथमिकता अगर दो चीजों पर थी तो उनकी प्रथम प्राथमिकता का ये कार्य था सफाई अभियान स्वच्छता अभियान, ये कांग्रेस के मुख्य एजेंडे का भी कार्य था सफाई अभियान स्वच्छता, निर्मल भारत की बात आप कर रहे हैं। जी जी अगर निर्मल भारत की बात आप करेंगे सर मैं आपको रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूंगा, मैं बता रहा हूं कि क्या रिकॉर्ड उसका आया था। मोदी जी आए, काला धन, बेरोजगारी, सीमा सुरक्षा जैसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो पूर्ण रूप से देश के हित में हो चुके हैं और किसी सरकार के हित में नहीं, उसी तरह ये भी उनका एक एजेंडा था, प्राथमिकता। मैं तो जब से बचपन से पैदा हुआ आज तक कहीं होटल में भी जाता हूँ, मैं अपनी तो मैं बता रहा हूँ, आपकी तो मुझे नहीं पता, और गोविंद पंत राजू जी के बारे में भी मैं जानता हूँ, उनकी भी बता रहा हूँ कि मैं कहीं जाता हूँ, कहीं होटल में भी जाऊँगा, कहीं बाहर जाऊँगा, कहीं रेलवे स्टेशन पर, मुझे कहीं गंदगी दिख जाएगी हाथ से, पैर से, कागज, अब से नहीं, ये मेरी नेचर में शामिल है। लेकिन मेरी इस नेचर के शामिल होने से या मेरी, मैंने आपसे कहा कि एक हमारी अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि जन जागरूकता अभियान 130 करोड़ भाइयों बहनों मित्रों के लिए वो एक कोई ऐसी चीज बन के आनी चाहिए कि जो इम्प्लीमेंटेशन कारागार हो सके और उसका पूर्ण रूप से 1% लोग ना करें, 99% लोग करें। जैसे अब 1% लोगों की पूंजी बढ़ जाती है, 99% की रह जाती अलग है। अलग विषय को सर एक साथ में लेके आएगा, लगातार चर्चा हमारी जारी रहेगी। मैं जानना चाहूंगा खेमचंद शर्मा जी आपसे कि जो सवाल उठाया था विक्रांत तोंगड़ ने कि हम लोग कचरा प्रबंधन के बारे में क्या काम कर रहे हैं, हम लोग कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, लोग जागरूक हो भी रहे हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, सफाई वाले आते हैं वो कचरा ले जाते हैं, एक जगह डंप कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होगा सर? देखिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कचरा प्रबंधन के लिए। अभियान के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फेसेज हैं, जो फर्स्ट स्टेप ये था कि जिसमें अवेयरनेस की जाए और जो लॉजिस्टिक है उसको तैयार किया। मैं माननीय गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर देना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति में जो स्वच्छता थी वो प्रायोरिटी पर रहती थी। मैं भी गाँव से आता हूँ, मैंने देखा हमारे गाँव में छोटे घर होते थे लेकिन स्वच्छ होते थे, माता बहनें उसमें लेप करती थी गाय के गोबर का और मिट्टी का और उसी के बाद भोजन बनता था। वो कहीं ना कहीं बीच में छूट गया और सरकारों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और आप देखेंगे कांग्रेस ने जो आज बहुत
बड़ी बड़ी बातें कर रही है उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, ना तो उन्होंने लॉजिस्टिक ना ही इस पर अवेयरनेस कैंपेन चलाए। आज माननीय मोदी जी ने 4 साल पहले इस पर अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लोगों को कनेक्ट किया, लोगों को भावनात्मक से जोड़ा और खुद इसमें पार्टिसिपेट किया और सभी जो सेलिब्रिटीज उनको इसमें लगाया। इसके साथ साथ उन्होंने जो ग्राउंड पे जो लॉजिस्टिक इसके लिए बनना चाहिए उसका भी प्रबंधन किया। आप देखेंगे उसी का परिणाम है कि 8.5 करोड़ के आसपास टॉयलेट गांव में बन पूरे देश में बन चुके हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा पति है सर, शाम 3:30 बजे हम लोग लगातार एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें की सरकार कितना स्वच्छ हुआ भारत इस नाम से चलाया गया है। उत्तर प्रदेश के खास पर में खास तौर पर हर जिले का हमने सर्वेक्षण किया और कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कि शौचालय बने तो हैं लेकिन वहां पर सीट नहीं है, जहां शौचालय बने हैं पता लगा दरवाजा नहीं है, शौचालय बने तो ऐसे कि गड्ढे बंद पड़े हैं। मैं आपको बता इसका भी कारण, जगह गांव में ऐसे हालात बने हुए हैं, मैं आपको बता दूं 12,000 रुपए दिए जाते हैं घर में शौचालय बनाने के लिए, प्रधान उस व्यक्ति का अकाउंट में ट्रांसफर करता है, कैश वापस ले लेता है। देखिए देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हालत आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर से रूल बना सकती है, सेंट्रल से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर सकती है, फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है, वो बनी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, वो हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बेनिफिशियरी उनके अकाउंट में सीधा फंड ट्रांसफर किया, अब वो बेनिफिशियरी और प्रधान मिलकर क्या कर सकता है। लेकिन देखिए पहले क्या होता था, माननीय राजीव गांधी जी के समय में जब एक कोई बेनिफिशियरी को सेंट्रल से पैसा जाता था तो 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे मिलता था, आज 1 रुपए का 1 रुपए मिल रहा है। अगर वो 1 रुपए मिलने के बाद कुछ 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 सेटिंग कर रहा है तो उसमें वो लोकल स्तर पे अवेयरनेस की जरूरत नहीं। मेरे को दो तीन बातें और रखनी है। सामाजिक अभियान है, ये कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, हम इसे सामाजिक अभियान मान के चलते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो खींच है तो 70 साल में वो ऐसा विजिबल काम नहीं कर पाए। कांग्रेस की जो खींच है उसी की वजह से वो लोग ये सह नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये अभियान सक्सेसफुल है, लोग इससे खुश है। और आज आप देखेंगे बच्चा हो बूढ़ा हो बड़ा हो हर एक व्यक्ति में ये अवेयरनेस है, कोई भी कूड़ा फैलाने नहीं चाहता, फैल रहा है तो बाकी मेहमान जो हमारे साथ छोटी मोटी लॉजिस्टिक चीजें बताई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसी चीजें कहीं भी हो सकते हैं। आपने टॉयलेट बना दिया उसमें टंकी रख दी, कुछ चोर उसको उठा के ले गए तो माननीय प्राइम मिनिस्टर तो उसमें कर नहीं सकते, वो गांव की जनता को देखने, गांव के प्रधान को देखना है। लेकिन क्या क्या समस्याएं आई थी, क्या क्या समस्या आई थी, छोटी मोटी चीजें पोलिटिकल पार्टी से हम लोग बात करते हैं तो लगता है कि भाषण शुरू हो गया। प्रोवाइड कर सकती है वो बात कहना गुनाह है, पॉलिटिक्स और भाषण तत्परता से काम काम कौन कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सर कुछ जगह क्षमता रखिए, सवाल में लेकर आपके पास आऊंगा उसी का जवाब दीजिएगा। कोई फायदा नहीं इस बात का कि आप एकदम एक्सटेम्पोर आप बोलते चले जाएंगे उस चीज से लेके, आपने बात की कांग्रेस की बात का जवाब दिया, आपने बात की लॉजिस्टिक्स की सर हम उसी बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा सतगुरु श्री आपके पास कि सरकार की तरफ से कोई भी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं लोगों को, या अगर स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता अभियान है लोगों के अंदर, मानसिकता लोगों की बदल रही है, मान भी लेते हैं इस बात को, लेकिन स्वच्छता रखने के लिए या ज्यादा बेहतर चीजें हो, वातावरण और ज्यादा स्वच्छ हो, ओपन डेफिकेशन फ्री आपका माहौल बने, लॉजिस्टिक्स सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, अगर उनमें कहीं कमी आती है तो क्या सिर्फ ये सोचकर ये जानकर हम लोग खुश हो सकते हैं कि सरकार की नीयत बेहतर है, लॉजिस्टिक्स भले ही सही या सही समय पर नहीं पहुंचे? देखिए इसके स्वच्छता के सूत्र मुझे दो बिंदुओं में छुपे नजर आते हैं, पहली शिक्षा और दूसरी प्रशासन। मुझे समझ में नहीं आता कि हम प्रशासन की नकेल कस क्यों नहीं देते। ये काम नगर पालिका का है, ये काम नगर पालिका का है, उसे हम शक्ति दे दें, उसे ताकत दे दें उनके अधिकारियों को और जवाबदेही तय कर दें। दूसरी शिक्षा में जोड़ दें, हम शिक्षा में हम जोड़ दें, हम बच्चों को बचपन से ही उनके आचरण में डाल दें कि वो रास्ते में कहीं भी कचरा पड़ा हो उठाएं। विदेशों में ऐसा होता है, आप कहीं भी जाइए, मैं वहां पर सत्संग करता हूं, यात्राएं करता हूं, एक बच्चा कहीं जा रहा है और उसे एक पानी का ग्लास या बोतल पड़ी भी मिल गई, वो तुरंत उठाएगा भले वो 6 साल का बच्चा हो, और उसे वो डस्टबिन में यानी कूड़ेदान में फेंकेगा। दो बिंदुओं पर हम काम कर ले, एक तो प्रशासन की यानी कि नगर निगम या नगर पालिका जो कॉरपोरेशन है जिसे वहां पर बाहर काउंसिल कहते हैं, उनकी जवाबदेही तय कर दें,
उनकी उनको जिम्मेदार बना दें और दूसरा हम शिक्षा में इसे समाहित कर लें, काम बहुत आसान हो जाएगा। बयानबाजी मुझे लगता है कि ये बहुत मुख्य बिंदु था, बहुत बढ़िया बहस का विषय था और ये पक्ष और विपक्ष में हम फंस गए कि उन्होंने हम तो बहुत पहले से कर रहे थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ये किया वो किया। अगर हम वाकई इसके प्रति सचेत हैं तो हम स्वयं से पूछें कि हमने क्या किया, काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया, लेकिन गोविंद जी इस बात को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहूंगा आपसे कि सतोष ने कहा कि प्रशासन की जवाबदेही करना तय करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि लोकल लेवल पर वही है जो सुनिश्चित करेगा कि जो योजनाएं हैं सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो जवाबदेही तय कैसे की जाए? नहीं, मुझे लगता है जवाबदेही अनेक मामलों में तो तय है और उत्तर प्रदेश में तो नगर पालिकाओं की ही ये जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर की सारी सफाई व्यवस्था उन्हीं के अधीन होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मैं आपसे बात करूं, जहां के जो नगर प्रमुख थे वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। नगर प्रमुख रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान के तहत झाड़ू भी उठाया था, लेकिन आज की तारीख तक आप लखनऊ के से प्रकाशित होने वाले किसी अखबार को उठा लीजिए, लखनऊ में जो कूड़े की समस्या है वो वैसी की वैसी है, लखनऊ में जो सीवर का रिसाव की समस्या है वो वैसी की वैसी है, लखनऊ में गोमती नदी एक बहती है जिसकी सफाई के लिए बहुत बड़ी बात हुई थी और अभी 2-3 महीने पहले मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा अभियान किया था, उस गोमती नदी की आंख बंद करके कोई उसके पास चला जाए तो उसकी बदबू के मारे वहां पर खड़ा नहीं रह सकता। तो जिम्मेदारियां होने के बाद भी तो जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं होता, और ये जो पूरा प्रधानमंत्री का जो अभियान था मैं इसको 3 अलग अलग स्टेजेस में देखता हूँ, 3 अलग अलग टुकड़ों में देखता हूँ। एक अभियान वो था जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हर आदमी को अपने आसपास साफ रखना चाहिए, अपना परिवेश साफ रखना चाहिए, सफाई के लिए जुटना चाहिए, एक चेन बननी चाहिए, लेकिन आज प्रधानमंत्री की इस अपील का कितना असर हुआ ये दिखता है उस स्थान पर जहां प्रधानमंत्री ने आज झाड़ू पकड़ा है। उस एक प्रतिमा है निश्चित तौर पर किसी महापुरुष की प्रतिमा होगी, उसके आसपास जिस तरह का कूड़ा फेंका हुआ है ये तो नहीं माना जा सकता कि वो प्रधानमंत्री की सफाई के लिए वहां पर लाके फेंका गया होगा। तो अगर वो कूड़ा वहां पर है तो ये दिखाता है कि हम जनता के बीच में कहां तक उस संदेश को वास्तविक तौर पर ले जा सके हैं। दूसरा इस अभियान का टुकड़ा था स्वच्छ गंगा अभियान। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वाहवाही भी उस बात के लिए लूटी है कि उत्तर प्रदेश में जितने गंगा के किनारे के गांव हैं वो सब ODF कर दिए गए हैं और अब गंगा में कोई शौच करने के लिए नहीं जाता। लेकिन अभी कुछ दिन पहले NGT और हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि गंगा उत्तर प्रदेश में जहां बहती है उसका पानी आचमन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है ये सरकार बताए, और ये पानी पीने लायक नहीं है इसके बोर्ड गंगा के किनारे लगाए, ये उस अभियान की हकीकत है। और तीसरा जो टॉयलेट बनाने वाला अभियान था, ये ठीक है कि आंकड़ों में 8.5 करोड़ अभियान बन गए होंगे जिसको BJP के प्रवक्ता यहां पर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन क्या वो टॉयलेट इस्तेमाल के लायक हैं? और क्या उस योजना को लागू करने से पहले बहुत गंभीरता से एक बात सोची गई थी कि इस देश में जहां 50% गांव में पीने को पानी नहीं मिल सकता उन गांवों में टॉयलेट के लिए पानी कहां से आएगा? आप उस योजना का मूल स्वरूप में ये बहुत बड़ी खामी थी, इसके लिए कैसा मॉड्यूल बनाया जाना चाहिए था, किस तरह से टॉयलेट की सीट का डिजाइन होना चाहिए था। बेंगलुरु के अंदर जो संस्थाएं काम करती हैं उनको पता होगा कि वहां पर टॉयलेट की सीट का जो डिजाइन है उसका जो स्लोप है उसको इतना ज्यादा रखा जाता है कि पानी बहुत कम इस्तेमाल हो और वो पानी अंदर चला जाए। क्या उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के गांव में इस तरह का कोई मॉडल इस्तेमाल किया गया? भ्रष्टाचार एक अलग सवाल था उस योजना में, लेकिन वो योजना भी वैज्ञानिक तौर पर भारत के गांवों की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। और एक तीसरा सबसे बड़ा सवाल इस योजना के साथ जो है वो है सफाई करने वाले लोग जो शहरों में सीवर लाइनों की सफाई करते हैं उनके हाल। इस योजना ने उन लोगों के हाल पर किसी कार्यक्रम में एक शब्द नहीं बोला, उनके हाल पर एक शब्द ध्यान नहीं दिया गया। आज स्थिति यह है कि 7-8 सालों में 1500 से ज्यादा लोग सफाई कर्मी उन सीवर के अंदर घुटकर दम घुटने से या दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर इसी 9 सितंबर को 4 लोग मरे थे ऐसे ही सीवर लाइन की दुर्घटना में। पिछले 4 सालों में 6 संख्या है किसी राजनेता ने, किसी राजनीतिक दल ने उस बारे में एक रत्ती भी सोचा, उस दिशा में किसी ने सोचा
क्या ऐसे काम सोचे बिना हम सफाई अभियान को किसी सार्थक नतीजे तक ले जा सकते? वाजिब सवाल आपने उठाया सर, और मैं चाहूंगा एक एक करके खेमचंद शर्मा इस बात का जवाब दे। खेमचंद शर्मा, शुरुआत यहीं से करते हैं सर, ये मिसमैच क्यों है? नगर प्रमुख रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद राजधानी लखनऊ में कूड़े का अंबार अभी लगा हुआ है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन को आप लोग पुरजोर तरीके से उठाते हैं। जैसे पंत साहब ने बोला वैसे ही इसके डिफरेंट डिफरेंट फेसेज हैं। एक था अवेयरनेस फेस, दूसरा था कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना। आप देखेंगे कि अभी शहर के अंदर या घरों के आसपास जो सफाई है अभी मच बेटर है, जो चार साल पहले का वहाँ पे जो हाल था, जिस समय SP की सरकार थी उस समय वहाँ पे हाल था, उससे अभी आप कंपेयर